तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बड़ी जानकारी सामने आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। बिजली उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर है, 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। बिजली उपभोक्ता के लिए अच्छी जानकारी, अब ऑनलाइन भी बिजली बिल जमा करा पाएंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, इसके बाद 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी, लेकिन फिर भी काउंटर्स खुले रहेंगे, आप बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। इस दौरान ऑनलाइन भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ऑनलाइन भी आप सारे बिल जमा करा सकते हैं। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन इस वक्त ऑनलाइन पोर्टल खुले रहेंगे, आप ऑनलाइन तरीके से बिल्स जमा करवा सकते हैं। लेकिन 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर भोपाल से। तो भोपाल से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी काउंटर्स खुले रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पोर्टल भी खुले रहेंगे, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप बिल जमा करवा सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 27 और 28 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।